बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। लर्निंग द साउंड्स, वाउल साउंड्स। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वाउल साउंड। आंट्स, एलिफेंट, एलिमेंट्स, इनफॉर्म्ड, ऑस्ट्रिच, अननोन। There are 5 vowels A, E, I, O, U in the English alphabets. के English alphabets या हरूफ तहजी में 5 vowels हैं जो हैं A, E, I, O, U. These letters produce specific vowel sounds. और ये जो letters हैं या हरूफ हैं ये क्या करते हैं कि ये एक मखसूस जो है वो sound या आवाज़ produce करते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट द वर्ड्स बिगनिंग विद द वाउल साउंड इन द गिवन ब्लैंक्स। कि यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी रीडिंग करें और इसमें से आपने फिल इन द ब्लैंक्स में जो हैं वो 4 साउंड्स ये लेटर्स लिखने हैं, जैसे ऑक्टोपस है, क्लाउड, सिस्टर, इनवेलप, एप्रिकॉट, एम्पायर, ट्रॉफी। तो यहाँ पे ऑक्टोपस, इनवेलप, एप्रिकॉट, एम्पायर, E, U, A, O क्या हैं कि ये वाउल हैं और ये एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रीड द गिवन ग्रीटिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, इनको यूज़ करते हुए हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। सादिया, अस्सलामु अलैकुम, सादिया सलाम कह रही है। अयान, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सादिया, हाउ आर यू? अयान, आई एम फाइन। सादिया, आर यू गोइंग टू द प्ले ग्राउंड? अयान, यस आई एम। एंड यू? सादिया, यस मी टू। कैन वी प्ले टुगेदर? अयान, यस वी कैन। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई वाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक बिकॉज ही वाज द फर्स्ट टू बिलीव इन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। व्हाई इज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कॉल्ड द होल्डर ऑफ द टू लाइट्स। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज कॉल्ड द होल्डर ऑफ द ऑफ टू लाइट्स फॉर मैरिंग टू ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम स्टार्टर्स बोथ एट डिफरेंट टाइम्स। एट व्हाट एज डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक्सेप्ट इस्लाम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 10। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स। A diagraph is a group of two letters that make a single sound. Diagraph क्या होता है कि ये दो letters का एक group होता है जो कि एक sound produce करता है. When two consonant letters combine to make one sound, they are called consonant diagraph. जब दो consonant words जो हैं वो letters जो हैं वो आपस में मिलते हैं, combine होते हैं और एक sound produce करते हैं तो उसको हम consonant diagraph कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चिक, थिक, व्हील, एक्सेट्रा, जैसे सी एच, टी एच, डब्ल्यू एच। यहाँ पे इस पैराग्राफ में जैसे कि यहाँ पे पी एच कैलिफ में दोनों एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे नॉन जो है इसमें के साइलेंट लेटर है। इसी तरह से स्ट्रेच्ड, यहाँ पे जो है एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। स्कॉलरशिप में भी एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मेक एट लीस्ट टू वर्ड्स विद गिवन डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ। अब ट्राइग्राफ क्या है कि एक ट्राइग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स डेट मेक अ सिंगल साउंड। कि ट्राइग्राफ क्या है कि ये 3 लेटर्स का एक ग्रुप है जो सिंगल साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेयर, फाइट, वॉच, एक्सेट्रा, जैसे सी एच, चेन, चीज़, डब्ल्यू एच, वट, वैन, आई जी एच, हाई, सईद, टी सी एच, कैच, पैच।
राइट फाइव वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स. अब साइलेंट लेटर क्या है? सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साइलेंट लेटर्स होते हैं. दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड, उनको हम प्रोनाउंस नहीं करते. दे कैन बी वाउल आर कंसोनेंट, ये वाउल भी हो सकते हैं, कंसोनेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन लैम द एंड बाइक द लेटर्स बी एंड ई आर नॉट प्रोनाउंस्ड, के लैम्प में बी और बाइक में ई जो है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते. तो यहाँ पे लिसन में टी साइलेंट लेटर है, नॉक में के जो है वो साइलेंट लेटर है, लैम्प में बी जो है वो साइलेंट लेटर है, आंसर में डब्ल्यू और डेप ने बी. फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज हज़रत अबू बकर. हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज़ अ फ्रेंड ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत उस्मान वाज़ अ वेरी रिच ट्रेडर. हज़रत अली वाज़ द फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम. हज़रत उमर वाज़ द सेकेंड कैलिफ ऑफ इस्लाम. एनालिटिकल रीडिंग. राइट रीड अबाउट द फोर कैलिफ्स ऑफ इस्लाम. नोट डाउन सम ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेड्स इन योर नोटबुक. हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाज़ अ मैन ऑफ गुड हैबिट्स. ही वाज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, लविंग, जेनरस एंड एक्सपोनेंट आर्डेंट ऑफ इस्लाम. ही हैड ग्रेट लव एंड अफेक्शन फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ही डिवोटेड हिज होल लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज़ नोन फॉर डिसिप्लिन, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ही वाज़ फेयरलेस, कुरेजियस, गॉड फेयरिंग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड ब्रॉड माइंडेड मुस्लिम. ही वाज़ फेमस फॉर जस्टिस. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज़ जेनरस, जेंटल, कुरेजियस एंड पेशेंट मुस्लिम. ही वाज़ अ वेरी रिच ट्रेडर. ही स्पेंट ऑल हिज वेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह. हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज़ ब्रेव, नोबल, बोल्ड, जेनरस मैन. ही वाज़ गिवन द टाइटल ऑफ रसूल असदुल्लाह, द लाइन ऑफ अल्लाह. पिक थ्री नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्राम द पिक्चर. राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस. इस तस्वीर को देखते हुए नेमिंग एक्शन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने ढूंढने हैं. नेमिंग में बॉय, गार्डन, बेंच. एक्शन वर्ड में वॉक, एक्सरसाइज, वॉच. डिस्क्राइबिंग में टॉल, स्मॉल, एक्टिव. फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स. सी ए एल आई पी एच ए टी, कैलिफेट, ई एन ई एम आई ई एस, एनिमीज, एल ई ए डी आर, लीडर, एच यू एस बी एन डी, हस्बैंड, आर ई सी आई टी, रिसाइट. Countable nouns are words for things that can be count. They have singular and plural form. Ball, balls, girl, girls, doll, dolls, etc. Countable nouns वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और uncountable वो होंगे जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी है, मौसम है, furniture, etc. Write five countable and uncountable nouns in your notebook. काउंटेबल नाउन में एप्पल, बुक, चेयर, गॉड, टेबल, हॉर्स, और अनकाउंटेबल में न्यूज, रॉयस, फीट, लगेज और करेंसी. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन आर. द मैन हु रॉट दिस बुक इज़ फेमस. देयर इज़ आ बैग ऑन द टेबल. शी हैज़ एन ओल्ड वॉच. ही इज़ ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क. कल्सूम इज़ आ पायलट. देयर इज़ एन एयरपोर्ट इन दिस इन माई Airport in my city. Do you know where I left the car keys? Think the more adjective and fill in the given boxes. Adjective, color, pink, blue, quality, soft, kind, size, large, tiny, quantity, four, much, origin, Pakistani, Punjabi, shape, triangle, square. एडजेक्टिव क्या है? इसमें हम किसी भी नाउन की जो क्वालिटी होती है, खसूसियत या उसकी खूबी होती है, वो डिस्क्राइब करते हैं. अगर इसमें कलर की बात हो रही है तो वो एडजेक्टिव ऑफ कलर आएगा. अगर साइज़ की हो रही है तो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ आएगा. अगर शेप या ओरिजिन की हो रही है तो उसको हम ऐसे शेप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ शेप या फिर एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन लिखेंगे कि उसकी इब्तदा कैसी हुई है, कहाँ से वो बिलोंग करता है. Rewrite the given sentences with correct capitalization, the given space.
यहाँ पे क्या है कि कैपिटलाइजेशन से मुराद ये कि जैसे हमें पता है कि जो नाउन है उसको हम फर्स्ट लेटर जो है वो ऑलवेज़ हम कैपिटल ही लिखते हैं, तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इसमें चूँकि सिटीज़ के नेम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे पेशावर जो है इसमें पी जो है वो स्मॉल है लेकिन हमने पी को क्या करना है, कैपिटल लिखना है। इसी तरह से लाहौर को कैपिटल एल करेंगे और क्वेटा का क्यू कैपिटल आएगा, कराची का के कैपिटल आएगा और एंड पे हम इसका फुल स्टॉप लगाएंगे, पाकिस्तान का पी कैपिटल आएगा क्योंकि कंट्री नेम है। इसी तरह से जब हम सेंटेंस का स्टार्ट लेते हैं तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज़ कैपिटल, तो यहाँ पे दी जो है वो स्मॉल लेटर टी के साथ स्टार्ट हो रहा है लेकिन हमने इसको कैपिटल लिखना है। इसी तरह दानिश नाउन है तो इसको हम कैपिटल लिखेंगे चाहे वो सेंटेंस के सेंटर में आ रहा है तब भी, और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। मानो यहाँ पे नाउन है तो इसको हम कैपिटल लिखेंगे और एंड पे इसके फुल स्टॉप आएगा। वी हम डब्ल्यू को कैपिटल यहाँ पे राइट करेंगे, इस्लामाबाद का आई कैपिटल आएगा और फ्राइडे का एफ़ जो है उसको हम कैपिटल लिखेंगे और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। आसिम क्योंकि नाउन है तो इसको हम ए जो है वो कैपिटल लिखेंगे, गिलगित क्योंकि शहर का नाम है तो इसको हम क्या करेंगे, जी को कैपिटल करेंगे। द वर्ड विच कैरीज़ मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड अ मल्टी सिलेबल वर्ड, कि ऐसा वर्ड जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं उसको हम मल्टी सिलेबल कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं और जो हमने काम करना है वो ये है कि राइट 8 मल्टी सिलेबल्स इन योर नोटबुक, पुट अ डॉट बिटवीन सिलेबल्स। जिस तरह से यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है इसी तरह से आपने भी 8 सिलेबल लिख के तो उनके दरमियान में डॉट्स लगाने हैं। जैसे यहाँ पे PLANET प्ले निट दरमियान में उन्होंने डॉट लगाया है, बाय सी कल डिप्लोमा बटरफ्लाई पोटैटो ऑक्टोपस बेडरूम पेंसिल मॉन्स्टर। ईच सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अंडरलाइन वर्ड एंड फ्रेजेस, रिप्लेस ईच अंडरलाइन फ्रेज विद अनदर वर्ड डेट एक्सप्रेस द सेम आइडिया एंड रीराइट द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। मतलब ये कि इसको इन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ से हम वर्ड लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे उसकी जगह पे पुट करेंगे। हिज अंकल हैज़ अ हाउस सिमिलर टू फैसल्स, के यहाँ पे जो सिमिलर है इसको हम बदल देंगे लाइक के साथ। आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर को हम सिंपल लिखेंगे सिबलिंग, बहन भाइयों को कहते हैं तो इसलिए हम इन दोनों को हटा के जस्ट सिबलिंग लिखेंगे। ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी हाई इन प्राइस, अब वेरी हाई इन प्राइस को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे और विच आर कॉस्टली, कॉस्टली लिखेंगे। ही हु मेड द वर्ल्ड, यहाँ पे ही अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, हु मेड द वर्ल्ड जिसने दुनिया बनाई, तो इसको पूरे को ख़त्म करके हम सिर्फ अल्लाह लिखेंगे, अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरी थिंग। क्रिएटिव राइटिंग में देखें, राइट अ पैराग्राफ अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर नोटबुक, लुक एट द गिवन माइंड मैप, इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग। ये माइंड मैप है, इसमें क्या है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं उस में आने चाहिए, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, करियर है, फैमिली है, अचीवमेंट है, डेट ऑफ डेथ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का सऊदी अरेबिया इन 517 AD। ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली नेम्ड कुरैशी, हिज मदर नेम इज़ हज़रत आमिना एंड फादर नेम इज़ हज़रत अब्दुल्ला। हिज फादर हैड डाइड बिफोर हिज बर्थ, हिज मदर टुक केयर ऑफ हिम एट द एज ऑफ 6, हिज मदर पास्ड अवे, दस हिज ग्रैंड फादर टुक केयर ऑफ him and after his grandfather's death he was brought up by his uncle Hazrat Abu Talib. He was most honest man, he had the best of manners, he was very kind, generous, merciful, god fearing and soft hearted person. He was so gentle to his manners and always friendly towards others. At the age of 40 he was bestowed the prophethood on him. He preached Islam for about 23 years. He gave the message of Allah to all human beings.